क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है कि हमारे पास एक सर्कल है जिसके सेंटर ओ है, ठीक है, और एक कॉर्ड है जिसकी लेंथ है 4 सेंटीमीटर, ठीक है, और रेडियस भी इसकी 4 सेंटीमीटर ही है, ये रेडियस हो जाएगी 4 सेंटीमीटर, और यहां से यहां तक की भी रेडियस हो जाएगी, तो ये भी 4 सेंटीमीटर। दैट मीन्स क्या हुआ, ये जो ट्राइंगल बनाना ओ ए बी वो इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया, और इक्विलेटरल ट्राइंगल के सारे एंगल जो होते हैं वो होते हैं 60 डिग्री, तो ये वाला और ये वाला एंगल भी 60 डिग्री हो गया। अब हमको क्या निकालना, अपन को डायरेक्ट एरिया ऑफ सेक्टर निकालना, तो एरिया ऑफ सेक्टर विल बी इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर बाय 360 डिग्री इनटू थीटा, ठीक है, पाई आर स्क्वायर की वैल्यू क्या रखेंगे, पाई की जगह आ जाएगा पाई 22/7, आर कितना है 4 × 4, इंटू थीटा की जगह आ जाएगा 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री, ठीक है, तो ये इससे 6 टाइम कैंसिल हो जाएगा और आंसर अपन को पाई में चाहिए, तो 22/7 की जगह पाई रहने देते हैं, ठीक है। 6 को अगर अपन इससे काटेंगे 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो अपना आंसर आ जाएगा 8 पाई बाय 3 सेंटीमीटर स्क्वायर।